हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ की टॉप 5 फिल्मों के बारे में, जिनमें हमें मर्डर, मिस्ट्री, एक्शन, क्राइम, सस्पेंस, हॉरर, कॉमेडी, थ्रिलर सब कुछ देखने को मिलेगा। इनमें से कुछ फिल्में हैं जो हाल ही में रिलीज हुई हैं और कुछ अनऑफिशियली अपलोडेड है यूट्यूब पर, जो कॉपीराइट के वजह से कभी भी रिमूव हो सकती है। ये सारी फिल्में एक से बढ़कर एक है, जिनकी कहानियां काफी थ्रिलिंग और अमेजिंग है, जो आपको फिल्म में पूरी तरह से घुमाकर रखती है। और इन सभी फिल्मों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, नंबर 5 पर है तमिल सिनेमा की साइकोलॉजिकल मिस्ट्री हॉरर फिल्म एस्विंस, जिसे हिंदी में भी सेम नाम से डब किया गया है। और इस मूवी को आईएमडीबी की तरफ से 9.10 की रेटिंग्स मिली है और 58% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। फिल्म की कहानी में इंडियन ब्लॉगर अर्जुन अपने ग्रुप के साथ लंदन में एक हॉन्टेड हवेली में जाता है। अपना काम शुरू करने के तुरंत बाद वो लोग हवेली में अजीब घटनाएं देखते हैं। अब हवेली में ऐसी कौन सी मिस्टीरियस घटनाएं होती हैं? आखिर वहां ऐसा क्या हुआ था? क्या वो लोग उस हवेली में से जीवित निकल पाएंगे या नहीं? आगे कैसे उन मिस्टीरियस घटनाओं को अर्जुन और उसके दोस्त सॉल्व करते हैं, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म पूरी देखनी पड़ेगी। और ये फिल्म YouTube पर अनऑफिशियली अपलोड की गई है, जो कॉपीराइट की वजह से कभी भी रिमूव हो सकती है, तो फिल्म को जल्द से जल्द देख लीजिए। नंबर 4 पर है फुट फेरी, जिसे 2020 में रिलीज किया गया था और ये एक मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 4.6/10 की रेटिंग्स मिली है और 36% गूगल यूजर्स ने इसको लाइक किया है। ये एक साइको किलर की कहानी है, जो लोगों का बेरहमी से गला घोटकर मारने के बाद उनके पैर अपने साथ ले जाता है। उसके बाद एक सीबीआई ऑफिसर को इस केस में लगा दिया जाता है। अब सीबीआई इस किलर को कैसे पकड़ेगा, पकड़ पाएगा या नहीं, और उसे पकड़ने तक वो कितने लोगों को मार देगा, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी और इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 3 पर है तेलुगु मूवी एडम जगत, जिसे हिंदी में खतरनाक रक्षक नाम से डब किया गया है और इस फिल्म को आईएमडीबी की तरफ से 5.4/10 की रेटिंग्स मिली है और 86% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। फिल्म की कहानी निशित के इर्द गिर्द घूमती है, जो स्लीपिंग डिसऑर्डर से पीड़ित होता है, जिसके कारण उसे रात में नींद नहीं आती है तो वो दिन में सोता है। इस कारण वो एक चैनल के लिए रात में एक रिपोर्टर का काम करता है और क्राइम स्टोरी शूट करना स्टार्ट कर देता है। पर एक दिन उसकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है, जहां निशित दुर्भाग्य से एक बुरी तरह से मुसीबत में फंस जाता है। अब वो स्थिति से कैसे निपटता है और आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत में फंसता है, ये पूरी कहानी जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 2 पर है तमिल लैंग्वेज की मूवी सोपाना सुंदरी, जिसे हिंदी में भी सेम नाम से डब किया गया है। मूवी को इसी साल रिलीज किया गया है और ये एक ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 6.4/10 की रेटिंग्स मिली है और 58% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। फिल्म की कहानी में आघालिया एक साधारण मिडिल क्लास लड़की है, जो अपनी माँ और बहन के साथ रहती है। जब वो एक रेफिल ड्रॉ में एक कार जीतती है तो वो लोग खुशी मनाते हैं, पर उनकी खुशी चंद समय के लिए होती है, क्योंकि उनका छोटा भाई वास्तविक विजेता होने का दावा करता है। और जब अधिक लोग कार लेने की कोशिश करते हैं और इससे अराजकता फैल जाती है, जिसकी वजह से आघालिया को लगातार कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ओवरऑल ये डार्क कॉमेडी एक स्ट्रगलिंग फैमिली की कहानी बताती है, जो अपने संकटों से निपटने के साथ और कई मुसीबतों का सामना करती है। ये काफी बेहतरीन मूवी है और ये मूवी YouTube पर अनऑफिशियली अपलोड की गई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 1 पर है तमिल लैंग्वेज की मूवी हीरो, जिसे हिंदी में भी सेम नाम से डब किया गया है। मूवी को 2019 में रिलीज किया गया था। ये एक सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे आईएमडीबी की तरफ से 6.3/10 की रेटिंग्स मिली है और 74% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। फिल्म की कहानी में शक्ति एक फेक सर्टिफिकेट रैकेट चलाता है और वो एक शिक्षा दलाल भी होता है। जब एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट माथी एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने की इच्छा रखती है, तो शक्ति उसकी मदद करने की कोशिश करता है। तभी शक्ति एजुकेशन सिस्टम माफिया के सबसे काले पन्नों को देखता है। वही एजुकेशन सिस्टम का माफिया महादेव काफी शक्तिशाली होता है। इसे हराना मुश्किल होने के कारण शक्ति एक सुपर हीरो बनने का फैसला करता है। अब एक आम इंसान कैसे सुपर हीरो बनता है और कैसे वो उस माफिया को हराता है, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। ये मूवी बहुत ही बेहतरीन है, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। लेकिन ये मूवी YouTube पर अवेलेबल नहीं है, ये आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। तो ये थी आज की टॉप 5 बेहतरीन फिल्में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही बेहतरीन मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।